पीपीडी पेस्ट के लिए एक चीज आपको करनी होगी कि सूखा होना चाहिए पीपीडी पेस्ट, गीला अगर पेस्ट होगा तो बबल्स आ जाएंगे, बबल्स के रूप में वो बाहर हटा देगा, फेंक देगा। देखिए ये हमने पीपीडी पेस्ट लगा दिया, हमारी साली बोले छुप गई है ना। अब देखिए क्या करना है, अब आपको इस पर हॉटगन दिखानी है, हॉटगन से इसकी बॉलों को बनाना है। तो पहले क्या करिए, टेढ़ी चिमटी से इसको पकड़ लीजिए आईसी को ऐसे। अब उसके बाद में जैसे हमारे पास एक हॉटगन है टर्बो की, तो हम इस पर हीटिंग रखते हैं 200 से 250 के बीच, और एयर को रखते हैं हम 2 से 3 के बीच, और अब हमें इस पर हीटिंग देनी है। देखिएगा हम इस पे हीटिंग दे रहे हैं, अभी देखिएगा ये बॉले उभरना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए उभर रही है बॉले, ये इस तरीके से आपको आईसी रिवॉल्व करनी है। अब हमें हॉटगन हटा लिया, लेकिन चिमटी अभी आपको नहीं हटाना है, चिमटी अभी आप रखे रहिए इस पे। अभी हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा फ्लेक्स पेस्ट लगाएंगे। अब हम चिमटी हटा लेते हैं आराम से, फ्लेक्स पेस्ट। अब हम थोड़ा सा इस पे फ्लेक्स पेस्ट लगा लेंगे, ये फ्लेक्स पेस्ट ले लिया और अब हमें आईसी पे लगा लेना है चारों तरफ बराबर से। अब लगाने के बाद इस पर हम हॉटगन एक बार फिर से दिखाएंगे। देखिए फ्लक्स पेस्ट लगाने का एक फायदा रहता है कि अगर कोई बॉल कटी बनी होगी या छोटी बनी होगी तो सारी बराबर हो जाती हैं, ये वो फायदा मिलता है हमें फ्लक्स पेस्ट लगाने से। बन तो ये गई थी, लेकिन हमने फ्लक्स पेस्ट लगा के और बढ़िया बना दिया इसको, अब चमकने भी लगेंगी बॉले सारी हमारी। क्या करेंगे हम इसको हटा लेंगे, चिमटी अभी थोड़ी देर इस पे रखे रहना है। पेट्रोल ब्रश दे दी, जल्दी चिपक जाएगी आईसी में। अब देखिए नसीम सर इसमें क्या करेंगे, ये आईसी अभी इसी में चिपकी हुई है, तो आप क्या करिए इसमें पेट्रोल डालिए और इसको हटाइए। अब देखिए हमने पेट्रोल डाला, ये आईसी हमारी बाहर आ गई है, दिख रही है। अब इसको पहले हम साफ कर लेते हैं जरा, ये हमने आईसी अपनी साफ कर ली। अब साफ करने के बाद आप देखिए, देखिए ये वाले बनी है। अब एक चीज इसमें हम आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए एक चीज आप इसमें देख रहे होंगे, ये थोड़ी सी कटी कटी बॉलें दिख रही हैं, ये दिख रही है कटी हल्की हल्की, ये किनारे से दिख रही कि नहीं दिख रही ना, नहीं दिख रही ऐसे कह रहे। हाँ हाँ हाँ, तो आप देखिए इसको सही कैसे करते हैं, आईसी हमारी यहीं पर रखी रहेगी, अभी रखे रखे सही हो जाएगी अपने आप, देखिएगा कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम इस पे जादू कर देंगे। इस पे आपको फ्लक्स पेस्ट लगा देना है, येलो वाला जो फ्लक्स पेस्ट था ये वाला, देखिए ये आपको ये लगाना है, और लगाने के बाद इसको आप चिमटी से पकड़ लीजिए आईसी को, और आईसी पकड़ने के बाद आप क्या करेंगे, अब हॉटगन इस पर हम दिखाएंगे तो ये जो बॉले कटी कटी है ये सब बराबर हो जाएंगी, सारी बॉले अपनी जगह पर बैठ जाएंगी। देखिएगा एक मिनट हम कर ले फिर आपको दिखाते हैं, देख तो रहे होंगे सारी बॉले कैसी हो गई, जो कटी बॉले थी वो सब सही हो गई। अभी आपको हम और अच्छे से दिखा रहे हैं, रुक जाइए जरा। देखिए अब जो बॉले ये साइड से कटी कटी आपको दिख रही थी सारी बराबर हो गई। Thank you.
एक मिनट रुकिए, हम इसका पेट्रोल पोस दें पेस्ट, तो आपको और क्लियर दिखेगा। रुकिएगा, देखिए नसीम सर, अब देखिए पहले कटी कटी ये वाले दिख रही थी, अब देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रही है साफ, अब तो कहीं पे कटी दिख नहीं रही है। तो ऐसे आपको आईसी रिवॉल्विंग करनी है, ये पूरा तरीका है बनाने का। और अगर इस तरीके की कोई कंडीशन आ जाए कि बॉल कट जाए, तो आप उसमें फ्लक्स पेस्ट डाल करके इसको बराबर भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके पास लेकिन होनी चाहिए पहले आईसी रिवॉल्विंग करने के लिए। तो आपको ऐसे आईसी रिवॉल्विंग बनाना है, करना है, ठीक है। आप गॉर्डन दिखाओ, अरे वो इसको पे डालना है, पहले आप आईसी रिवॉल्व करिए, बना लीजिए, फिर हम जब उसके लगाने और निकालने का तरीका पूरा आपको बताएंगे। पहले ये से काम करिए सर। राजनाथ सर, आप क्या पूछ रहे थे? आप पूछ रहे थे